अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकसील। फ्रेंड्स, आज आपके खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ मुर्गों की डीवार्मिंग के टॉपिक पे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे जो पट्टे हैं, हमारे जो चूज़े हैं वो ग्रो नहीं करते, उनका फेस पीला पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसका इलाज बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन हज़रात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आने से पहले आपको इतला मिल जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि डीवॉर्मिंग क्या है। फ्रेंड्स, होता ये है कि अक्सर औकात जो हमारे चूज़े हैं, हमारे पट्टे हैं, उनका फेस पीला पड़ जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है, रेडनेस उनके चेहरे से ख़त्म हो जाती है, यानी कि उनका खून जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए कि उनके अंदर के जो पेट के कीड़े हैं वो उनको ग्रो नहीं करने देते, वो उनके खून को अंदर से पीते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हर 3 महीने के बाद अपने मुर्गों के पेट के कीड़ों को साफ़ करना चाहिए। इसके लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन इलाज बताऊंगा, तो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप ख़ुद देखेंगे आपके सामने जो है कीड़े मुर्गों से निकलेंगे अंदर पेट से। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर जेंटल इसका नाम है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी। ये सस्पेंशन है, ये आप अपने मुर्गे को पिलाएंगे, लेकिन इससे पहले शाम के टाइम मुर्गे को गुड़ खिलाएं। गुड़ खिलाने के बाद आप मुर्गे को दाना दे दें, ठीक है, और पानी इसको सादा ना दें। आप इसको पानी विटामिन का दें, लाइसोविट आपके घर में होगी, अगर नहीं है तो मेडिकल स्टोर से जाके ख़रीदें। वो आप पानी के बर्तन में मिला के 2 ढक्कन आप अपने पट्टों को पिलाएं। ये हो गया शाम का प्रोसेस। तो आपने ये जो जेंटल है ये आपने रात में देनी है। अगर के आपका पट्टा 4 या 5 मंथ का है तो फिर तो आप इसको 2 cc सिरिंज में डाल के और इसको मुर्गे को पिला दें। अगर आपका मुर्गा 5 महीने से ऊपर है तो आप उसको 4 cc या 5 cc पिला दें। रात के टाइम पिलाएंगे उसको, आप सुबह तक देखेंगे कि सुबह जब चूज़े उठेंगे तो जो बीट करते हैं तो उन बीट में आपको कीड़े पड़े मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हर 3 माह के बाद अगर ये प्रोसेस करेंगे तो आपके मुर्गे के पेट के कीड़े ख़त्म होते रहेंगे। आपका मुर्गा हो, आपका पट्टा हो, चूज़ा हो, आपकी मादी हो, वो ग्रो करेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।